हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंट्राडे आइडिया में, जिसमें आपको डेली मार्केट और स्टॉक्स का अपडेट दिया जाता है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, जिससे तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली इन वीडियो से कुछ सीख रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को पूरा देखें, एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल फ्राइडे 7 अक्टूबर के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। पहले एक नज़र आज के मार्केट पर। आज मार्केट पुनः बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ। आज वीकली एक्सपायरी थी, जिससे मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखी। मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद 17,430 से 17,330 के रेंज पे कंसोलिडेट किया, दो दो बार इन लेवलों को टेस्ट किया। आज सतपैन के लिए मार्केट बहुत अच्छा रहा और अंततः मार्केट थोड़ी बढ़त के साथ पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ क्लोज हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद आइए देख लेते हैं कल फ्राइडे 7 अक्टूबर के लिए मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चैन के डेटा बेस से क्या निकल के आ रहा। अगर 7 अक्टूबर को निफ्टी में ऊपर के तरफ 17,430 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर निफ्टी 17,300 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी में ऊपर के तरफ 39,600 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी 39,100 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आगे वीडियो में दिया है, आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज के स्टडी के लिए हमने कल 4 स्टॉक दिए थे। पहला HDFC, दूसरा UPL, तीसरा LIC हाउसिंग फाइनेंस और लास्ट हीरो मोटर कॉर्पोरेशन था। आज मार्केट अगेन बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ और एक रेंज में चला। हमारे सभी स्टॉक्स बाय साइड थे। UPL और HDFC मॉर्निंग के पहले कैंडल में ही लेवल ट्रिगर कर स्टॉप लॉस हिट किए, और बाकी दो LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड हीरो मोटर कॉर्पोरेशन ने लेवल को ट्रिगर कर अच्छा मूव दिए, ब्लॉकबस्टर प्रॉफिट हुआ। इन स्टॉक्स के लेवल कल के वीडियो में देख सकते हैं, और हाँ, अगर आप लाइव कॉल्स चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से इंट्राडे आइडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और सीखें, साथ में लेवल्स को फॉलो करिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज करिए। मैंने 7 अक्टूबर के लिए बेस्ट 4 स्टॉक्स सिलेक्ट किया है, जिसमें पहला बजाज ऑटो, दूसरा मफिसिस, तीसरा एक्सिस बैंक और लास्ट गोदरेज प्रॉपर्टी है, जिनके लेवल्स आगे दिए हैं, देख सकते हैं और चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहे। मेरा पहला स्टॉक है बजाज ऑटो, जिसे मैं 3,610 के ऊपर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस 3,580 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है मफिसिस, जिसे मैं 2,130 के ऊपर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस 2,105 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा तीसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक, जिसे मैं 752 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 760 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा लास्ट स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसे मैं 1,224 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 1,238 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। इसी तरह अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे तुरंत आपको अपडेट मिल सके।